अयोध्या मसले का सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र डी गेट से लेकर भरतपुर गेट तक ये फ्लैग मार्च किया गया। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में जिलाधिकारी ने मुस्लिम भाइयों से बात की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस मध्य मथुरा में शांति व्यवस्था कायम है और लोग आपसी भाईचारा बनाए रखने पर स्वयं ही जोर दे रहे हैं। पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 10 जोन और 40 सेक्टर्स के अंदर बांटा गया है और सभी जगह अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, पुलिस अधिकारी पर्याप्त संख्या में पहुंचे। इसके अलावा QRTs का डिप्लॉयमेंट किया गया, इसके अलावा PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया। तैयारी हम लोग की पूर्व से ही चालू है और इसी क्रम में हम लोग के द्वारा पुलिस कमेटी की मीटिंग करना, डेटल वाले केस की मीटिंग करना, मोहल्ले में जाके मीटिंग करना, शरारती तत्वों को चिन्हित, जो पूर्व में किसी प्रकार से भी हमारे युवा संज्ञान में आए अलग अलग सोर्सेज से, उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक निरोधात्मक विधिक कार्रवाई है वो थाने स्तर पर मीटिंग की गई। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय ने लोग के द्वारा भी कंट्रोलिंग करके लोगों से वार्ता की गई। उनके भी किसी प्रकार का भी नहीं, आप देखेंगे अभी भी नॉर्मल से चल रहे हैं और कहीं पर भी इस तरह की कोई अप्रिय बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। हम लोग के अधिकारी कल रात से ही अलर्ट है, रात में इस सूचना के बाद से ही मेरे द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा के द्वारा नियमित रूप से कमेंट किया गया, जो हमारे व्हीकल इंस्टॉलेशन से GPS का भी रात में चेक किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभी रिफाइनरी और बाकी इंस्टॉलेशन को जाके हम लोगों ने चेक किया था, उनके अधिकारियों से बात की और जो सूचना थी उनसे साझा की। अभी जैसा कि डी गेट मेन हम लोग का सेंटर है और KGS के पास हैं, हम लोग यहीं पर हैं अभी और हर चीज़ को मॉनिटर करें। सर, जन्म स्थान पर और क्या विशेष सतर्कता बरती जा रही है? हमने येलो जोन के डिप्लॉयमेंट्स पहले से ही बढ़ा दिए गए थे, नियमित रूप से यहाँ पर मॉक ड्रिल्स कराई गई है, राउंड की क्लॉक अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है और CRPF के साथ नियमित रूप से सामंजस्य चल रहा है। जो PSC के कंटिन्यूंग कमांडर है वो भी यहीं पर मौजूद हैं और एक एक जने को किया गया है जिला स्तर से। यहाँ पर उनसे वेरिफिकेशन का कार्य चालू कर दिया गया था और जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत की। देखिए, जो ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आने वाला है उसके संदर्भ में हम लोगों ने सुरक्षा के जो मथुरा जनपद में हैं वो पूरे मुकम्मल इंतज़ाम कर रखे हैं। पूरे जनपद को क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए 7 जोन, 4 सुपर जोन और 40 सेक्टरों में बांट रखा है। सभी गस्टेड ऑफिसर्स इनमें जिम्मेदार अधिकारी लगाए गए हैं, पुलिस ऑफिसर साथ में हैं, सारे के सारे लोग क्षेत्रों में मोबाइल हैं। मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी सुबह से ही क्षेत्रों में भ्रमणशील रह करके इन चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्षेत्र में सारे लोग उपस्थित रह करके शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मथुरा में आप देख रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं है, जैसे सामान्य दिनचर्या है उसी तरह से भीड़ जैसे रोज़ के दिनों में होती है, सड़कों पर उसी तरह की भीड़ है। तो कोई यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं उल्लेखनीय है कि जिसका मैं आपको विशेष रूप से और उल्लेख करके बताएं, लेकिन व्यवस्थाएं हम लोगों के मुकम्मल है। इसी प्रकार मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन पर भी राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। GRP द्वारा आने जाने वाली प्रत्येक ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाकर यात्रियों के संदिग्ध सामान की तलाशी भी ली जा रही है।
मथुरा छावनी जीआरपी चौकी प्रभारी सोनू कुमार राजौरा अपनी टीम के साथ ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अयोध्या मसले का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से कुछ समय पहले तक श्री कृष्ण जन्म स्थान के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। यहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और सुरक्षा बल मुस्तैद रहे। अब जाओ। राम जन्मभूमि मसले का फैसला आने से पूर्व श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही।